कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने दुर्ग शहर के वार्डों में जनसंपर्क कर केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का निवेदन किया। इस दौरान शहर के घर घर में राजेंद्र साहू का स्वागत किया गया। वहीं बहनों ने तिलक लगाकर आरती भी उनकी उतारी। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने दुर्ग शहर के वार्डों में सघन जनसंपर्क शुरू किया एवं केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का निवेदन किया। वह जनसंपर्क के दौरान दुर्ग शहर कांग्रेसमय नजर आया। जनसंपर्क में उमड़ी भीड़ को देखकर प्रत्याशी राजेंद्र साहू बुलंद हौसले से लबरेज नजर आए। कार्यकर्ताओं में एक नई उमंग और जोश का संचार हुआ, जिससे भरी दोपहरी में भी उनके पैर नहीं रुके। इस दौरान दुर्ग शहर के वरिष्ठ नेताओं, दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा, पूर्व महापौर शंकर लाल ताम्रकार, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य एवं पूर्व महापौर आर्यन वर्मा, नगर निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल, नगर निगम के सभापति राजेश यादव, साथ ही दुर्ग शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गया पटेल के सामूहिक नेतृत्व में सघन जनसंपर्क किया गया। आज के जनसंपर्क कार्यक्रम के समापन अवसर में आदरणीय अरुण बोरा जी, पूर्व विधायक दुर्ग शहर, आदरणीय धीरज बाकलीवाल जी, महापौर नगर पालिक निगम दुर्ग, आदरणीय गया पटेल जी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर आदरणीय आर्यन वर्मा जी, आदरणीय राजेश यादव जी, सभापति नगर पालिक निगम दुर्ग, आदरणीय कन्या निवर जी, आदरणीय अल्ताफ अहमद जी, राजकुमार पटेल जी, अजय मिश्रा जी, महेश सिंह भोवाल जी, राजकुमार साहू जी, सभी ब्लॉक और हमारे दुर्ग शहर के सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथी, पत्रकारा के समाना जी, गुरु भाई। इस दौरान सिंधी कॉलोनी में जनसभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र साहू ने कहा कि पूरे देश में 30 लाख पद रिक्त पड़े हैं। कांग्रेस की सरकार बनी तो 6 माह के भीतर 30 लाख पदों को भरा जाएगा। 30 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। मनरेगा के तहत ग्रामीण एवं शहरी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 400 रुपए मजदूरी दी जाएगी। साथ ही कहा कि अगर लोकतंत्र को, आरक्षण को बचाना है तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर फिर बनी तो संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। महालक्ष्मी नारी न्याय योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाने की बातें उन्होंने कही, जिसे नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास लिखा जाने की बात कही। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।